कंडारी जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपका केस ग्रुप में भेज दिया था, शायद आपको मालूम रहा हो ना मालूम रहा हो, लेकिन आप एक इंटरव्यू आपको ग्रुप में ज़रूर भेजना चाहता हूँ। कुछ डॉक्टर्स की कई क्वेरीज थी और जो भी आंसर दे तो कुछ छोटे वाले आंसर को छोटा छोटा जवाब दें और जो आपको लगता है कि ज़रूरी है वो बता सके। एक तो आपने मेरे पास रोज़ाना भेजते थे पीपी, अपना आज का क्यों नहीं भेज पाए आप मेरे पास आज का? जो चलो कोई बात नहीं, बस यही मैंने आपको बताना था। अच्छा, आप मेरे पास किस चीज़ के लिए आए थे? ट्राइग्लिसराइड के लिए। जब आपने मेरी पहली बार मैंने जब आपको औषधि दी थी तो आप मेरे पास क्यों आए थे? यही सॉल्यूशन। और इससे पहले आपने क्या क्या किया था इसके लिए प्रयास? कोई किसी की दवाइयाँ खाई थी, कुछ खाया था? दवाइयाँ हाँ, आज से पहले खाया था, 4-5 साल पहले खाया था। हाँ, वो आयुर्वेदिक था। अच्छा, उसके बाद लेने के बाद जब तक लिया ठीक है, उसके बाद नॉर्मल आया तो छोड़ दिया चीज़ें, मतलब दवाइयाँ भी छोड़ दी और फिजिकल एक्टिविटी भी छोड़ दी, एग्जाम करना भी छोड़ दिया। हाँ, फिर उसके बाद ऐसे ही सडनली ब्रदर ने बोला कि एक बार चेकअप करा लो, तो कराया, तो उसका बढ़ के निकला है। हाँ, कितना था सबसे ज़्यादा आपका? इतना तो याद नहीं, काफ़ी फिगर से। आप फिर भी जो लेटेस्ट था आपके जब मेरे पास आए थे, आप कितना था? हाँ, वो तो 265 में, तो मेरे नॉलेज में अभी तक। उससे पहले 300 के करीब भी रहा होगा? तीन सौ करीब। अच्छा, ये जो खाने पीने से पहले था? हाँ, एक फास्टिंग था खाली खाने से पहले जी। और खाने के बाद का कितना रहता था? खाने के बाद का कभी एग्जामिन नहीं किया, क्योंकि HbA1c इसी से पता लगा था डायबिटीज का, क्योंकि उसका जो रेंज आता था। हाँ, इसलिए वो ऐसा चाहिए उसे एग्जामिन। HbA1c कितना आता था आपका? HbA1c मेरा 8.9 आता था, हमेशा ही आता था। हाँ, लास्ट फिगर मेरे को याद है उससे पहले। लेकिन जब आपने मेरे को एक लास्ट दिया था तो खाने का जो था आपका उसके बाद 300 से ऊपर था वो, तो नहीं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, फिर जब मैंने आपको जो पहली बार जब दवाई दी थी